सत श्री अकाल जी, मैं गुरिंदर सिंह कोटकपुरा। अज 16 जुलाई दिन वीरवार सवेर के करीब 7:15 बजे म्यूनसिपल पार्क कोटकपुरा च गुरु गोबिंद सिंह वेलफेयर क्लब वालों तुहाडा सारिआं दा स्वागत है। जिवें दस्सिआ जा चुका है कि इस मंच ते बहुत वारी शहर वासियां नूं आउंदियां मुश्किलां ते समस्यावां बारे विचार वटांदरा कीता जांदा है। अज सीवरेज बोर्ड की गल हो रही है, पानी साफ पानी सप्लाई करन ते सीवरेज दे सुचज्जे प्रबंधा लई एक निजी कंपनी है शाहपुर पलूंजी, उस निजी कंपनी ने 117 करोड़ रुपया लिया सरकार तो भाई कोटपुरा वासियां नूं साफ सुथरा पानी सप्लाई होगा ते सीवरेज की कोई समस्या नहीं आऊगी। पर अज शहर की अद्धी तो ज्यादा आबादी नूं सीवरेज रलिया प्रदूषित पानी सप्लाई किया जा रहा है। एक पासे सरकारां करोड़ां अरबां रुपया मुफ्त मैडिकल कैंपां लई राखवां रखण दी ड्रामेबाजी करदियां ने, दूजे पासे परोसी जा रही है बीमारी। पिछले समय च गुड मॉर्निंग वेलफेयर क्लब ने जदों इह मसला चुकिया उस वेले उस समय दे डिप्टी कमिश्नर कुमार सौरभ राज, अडिशनल डिप्टी कमिश्नर प्रोफेसर गुरजीत सिंह, उस समय दे SDM मैडम डॉक्टर मनदीप कौर, इन्हां सारिआं ने निजी दिलचस्पी लैके उह पॉइंट देखे जिथे प्रदूषित पानी सप्लाई हुंदा उन्हां नूं जुर्माना कीता। असी मीडिया आले परसन बुलाए ते लाइव चलाया, इक्को इक मंग कि जो तुसी सरकार नाल शर्तां कीतियां उहदा बोर्ड शर्तां आला बोर्ड डिस्प्ले कीता जावे। पर प्रशासनिक अधिकारियां दी दखल अंदाजी दे बावजूद अजे तक उह बोर्ड नहीं लगा। अज शहर दी अद्धी तो ज्यादा आबादी नूं प्रदूषित पानी सप्लाई कीता जा रहा है। अज आला विशा यह है, उहदे बारे आपां चलदे हां सारिआं कोल। धन्नवाद तिंगड़ा जी। हाँ जी पप्पा जी। हाँ जी, मैं सदा अपना कहना चाहना बई ना धन्ना वस्ती भावें पुरानी कोतवाली वाली गली च बहुत गंदा पानी आ रहा जेड़ा कि चमड़ी लई बहुत ज्यादा हानिकारक है। इहदे नाल आदमी नहा नहीं सकता। किन्ने दिनां तो? इह परसों तो है जी। परसों तो? हाँ जी। प्रदूषित पानी ते सीवरेज दी समस्या दे हल नहीं कल लई शहर वासियां नूं इकट्ठे होके प्रशासन दे नाल उपराले करने चाहिए। पानी बहुत गंदा आ रहा है जी, ते जद भी बारिश हुंदी आ उदों ही गंदा ज्यादा हुंदा। मैं जी अज तो 5-4 दिन पहला सिखां वाले रूट ते अग्रवाल स्ट्रीट की गल की थी। हजे 3-4 दिन हुए इन्होंने मशीन ला के पानी कढ़िया, अज फिर मैं देखा हैगा भी वह जेडे हैगा ना सीवरेज भरिया पिया, सीवरेज सारा भरिया पिया। ये बीमारी ठीक नहीं करते, ये गोलियां गालियां दे के ठीक करने की कोशिश करते हैं। जिमें चोर चोर नूं मारो चोर की माँ नूं मारो, वह गल है ये माड़ा मोटा लीपा पोची कर देंगे, अज फिर कट गए 4 दिन बाद फिर भर जाना है। ये जिहड़ा अगला सीट नुक्कड़ के उत्ते उत्थे कोई प्रॉब्लम है, ये मिठियां गोलियां दे ठीक नहीं करते। किन्ने चिर तो ये जदों तो पा गया जी उदों ही, 4 दिन पहला जो वीडियो पाई है मैं तुम्हें ये कही कैंसर बन गया जमा वाकई कैंसर है। ये इधर उधर गोलियां दे के सरी जाते हैं, वह पक्का इलाज नहीं करते। प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेवारी बनती है? प्रशासन अधिकारियों की बनती जिम्मेवारी, इन्नी बेईमानी इन्नी करप्शन हो गई है। अज कल ये चाहिए जिथे सीवरेज वाटर वर्क्स ते अज ते अपना दूजा पानी जिहड़ा हैगा इत्थे इन्हां दे जदों बन इन्हां दी CCTV वीडियो बननी चाहीदी आ, वीडियो बननी चाहिए लाइव होवे। को मैं अगे गल ये कीती सी कम भइयां तों करवाउंदे आ, चंगा तां करवाउंदे नहीं, इंजीनियर आउंदा गिड़ा जिहा मार के मुड़ जांदा। ठीक। मैं लाजपत नगर तो अमरपाल सिंह बोल रहा, अज तो हफ्ता पहला भी गंदा पानी आ रहा है, पर इन्ने पैसों का ठेका दे के बहुत माड़ी गल है जिहड़ा सारा शहर नूं बर्बादी मिल रही है। लभू राम गली सतकरसर डेरे दे बिलकुल नाल कदे उत्थे जमादार गली वड़िया नहीं लाटू दा महला है, ते ना कदे उत्थे सीवरेज निकले, पानी बाहर निकल निकल के बदबू आंदी उस गली च वड़िया नहीं जांदा। तो शिकायत नहीं कीती कोई? मैं बहुत बारी किया जी, बहुत मिन्नत, कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं ये कहना भी आपकी इमानदारी नाल कम करो यार, रिश्वत ना लो इतने रह जाणगे, ते गरीब मर गया ते अमीर पहला मर जाऊ। ਸੀਵਰੇਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ
बेनती करता भी सीवरेज जो पा रहे जल्दी हो पा रहे ठीक है काम तो उन्होंने पर नाल नाल पानी दियां पाइपां भी तोड़ रहे हैं वो करके सानू पानी गंदा मिल रहा है इस करके उन्होंने चाहिए भी पाइपां दा पानी दा भी ध्यान रखा जाए। मैं मल्ला हरनामपुरा की गल करदा जी अज सुबह भी इन्ना गंदा पानी आया जे पशु दे मूहरे भी रख दिए तो पशु भी नहीं पीऊगा। मैं तो प्रशासन नूं इह बेनती करदा भी इन्ने इन्ने टैक्स देण दे बावजूद भी जे सरकार सानू साफ पानी नहीं मुहैया कर सकदे ते उस सरकार तों की विश्वास ओ सरकार तों असीं करौणा की है। मान ते सत्कारयोग जिला मजिस्ट्रेट फरीदकोट नूं इह ध्यान देना चाहीदा कि सीवरेज का पानी जिहड़ा वाटर बक्स दे विच रल के आई जांदा वो नहीं होना चाहिए तो ठेकेदार ताड़ना करनी चाहिए है तो पानी साफ सुथरा शहर में मुहैया करवाना चाहिए। शहर महल्ले की गल करिए सारे शहर का ही बुरा हाल है। म्यूनसिपल कमेटी सीवरेज बोर्ड वाले इस वक्त ध्यान देना चाहिए साड़ी तो यही अर्ज है कि थोड़े टाइम सारा ठीक किया जाए। सीवरेज का पानी वाटर बक्स का पानी तो सीवरेज की हालात नहीं तो बिलों का बाइकट करना चाहिए जी। बिल्कुल पानी वाली पाइप सीवरेज के थले है वह मिक्स हों गंदा पानी आता साफ पानी चाहिए जी पानी माड़ा ही आता जी। केड़े महल रामगढ़िया महल च जीवन नगर च भी बहुत बैड़ा हाल है जी हूँ उत्थे सड़क बन लगी है जी तो सीवरेज दियाँ पाइपा पाइया हुई हैं अगे डग नहीं बने तो सड़क बननी है जे सड़क बन गई तो कल जो कदों तो प्रदूषित पानी आ रहा थोड़े साढ़े उधर धक्का वस्ते भी पानी माड़ा आता कदों नगर का यह कोई 10-15 दिन तो शिकायत की है नहीं शिकायत नहीं की है। ठीक मैं ग्रीन क्लेव का वासी हाँ जी साढ़े तो पानी की मतलब मैं 30 साल हो गए तो प्रॉब्लम ही रही है असं अखीर सबमर्सिबल मोटर ला ली है तो पीने वाला पानी आरओ तो लैके आने हैं तो इस मतलब प्रॉब्लम जी है हल करनी चाहिए है एडमिनिस्ट्रेशन। वाकई गुट अज विचार चर्चा चली है जो गंदे पानी का सारे ही शहर वासियों नूं गंदा सप्लाई जा रहा क्योंकि जेड़ा अपना कंपनी नूं अपन निजी कंपनी नूं इन्हां ने दिते आ उहदे दे विच एक महीने का कोटा हुंदा इन्हां दा फटकरी रेता वह रेता वाके ही पा के नहीं देंदे पानी दे सप्लाई दे विच जो सप्लाई करते फटकरी भी पाउंदे आ वह फटकरी भी नहीं पाउंदे ना ही दवाइयां पाउंदे। आपां कंपनी वालों नूं यह बेनती करते हैं SDM साहब नूं यह बेनती करते हैं उन्हां कंपनी वालों नूं रेता ते फटकरी ते दवाई ये पा के शहर वासियों नूं पानी दी सप्लाई की जाए यकीनी बनाया जाए। गुड मॉर्निंग क्लब वालों गंदे पानी का मुद्दा चुकया गया ये बहुत एक वधिया उपराला है असी प्रशासन नूं हाथ जोड़ के बेनती करते हैं अखबारों के मीडिया रही हर तरह दस चुके प्रशासन नूं कोई शर्म नहीं आती प्रशासन नूं शर्म आनी चाहिए है कहीं भी ये लोगों की सेहत का खिलवाड़ ना कर तो उन्होंने सेहत वास्ते कुछ सोचन। धन्यवाद। द्वारियाना रोड तो लैके तो मुक्तसर रोड तिकर अज तिकर कदे नहीं देखा गा भी कोई सीवरेज बोर्ड के कर्मचारी आके उन्होंने कोई गटर चक्या हो सफाई कराई हो किन्ना चिर हो गया बैक मारदा तो उन्होंने ये प्रशासन को ध्यान से दवाए जाने भी उन्होंने तो इस तरह की सफाई कराई जाए ताकि बैक ना मारे। काशीराम स्ट्रीट दे विच पानी एक साल तो गंदा आ रहा है असी दो एप्लीकेशन लिख के इन्हों का ऑफिस है HDFC बैंक के नाल उपर गली च उत्थों रिसीविंग लैके आती इन्होंने कोई मसला नहीं हल किया कदे किसी अफसर का नंबर दे देंगे कदे किसी का अफसर दे देंगे 6,000 रुपये ला के असी रेंटल इंश्योरेंस ऑफिस के नाल खड्डा उत्थे मरवाया दे कोलो ते उत्थे कोई फॉल्ट नहीं निकलिया महीने बाद इन्हों का SDO आया फिर उत्थे खड्डा मारिया कोई फॉल्ट नहीं निकलिया अज भी पानी गंदा आई जांदा मंडी च पानी आई जांदा गलियां जांदा नहीं कोई सिस्टम नहीं नाल दा गुआंढी कहिंदा मेरे आई जांदा मैं छड्डी मोटर आया ही नहीं वह नंबर ते नंबर दे जांदे है वह महीना अगला करके छड्ड दिंदा अगला कहिंदा यार मसला दा कोई हल नहीं। तुहाडा नाम की है? विजय कुमार जी। लो जी गुड मॉर्निंग वेलफेयर क्लब ने फैसला किया कि शहर वासियों की यह समस्या दूर कर ली हाई कोर्ट के वकील नाल बकायदा गल की गई है ते वकील ने कहा कि वध तो वध शिकायतां जिहड़ियां लिखती तौर ते कीतियां होण ओह साडे प्रधान जी तक ते जां साडे खजानची प्रधान ने एडवोकेट गुरबचन सिंह टोनी कोटपुरा गन हाउस जैतो रोड कोटपुरा ते साडे खजानची ने सुपरडेंट जसकरन सिंह पट्टी फरीदकोट रोड कोटकपुरा इन्हों का निरंकारी मिशन के नाल वाली गली च घर है इन्हों तक पहुँचाओ लिखती शिकायत अदालत जावांगे इन्हों का कंट्रैक्ट
ਤਾਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋਊਗਾ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਆ ਉਹ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਸਾਡੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚੋਂ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟਕਪੂਰਾ।